बहराइच जिले से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारी कोट ग्राम पंचायत में मां काली मंदिर परिसर में रामलीला मंच और सत्संग भवन का भूमि पूजन बलहा विधायक सरोज सोनकर के द्वारा किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम पूर्ण विधि विधान के साथ महंत विनोद मिश्रा के द्वारा किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम बलहा विधायक ने मां काली मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए। इस दौरान बलहा विधायक सरोज सोनकर ने कहा कि काली माता मंदिर आस्था का केंद्र इस दौरान बलहा विधायक सरोज सोनकर ने कहा कि काली माता मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ पर प्रति वर्ष जून माह में एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में ग्रामीण भक्त मंदिर पहुँचते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। बलहा विधायक ने कहा कि उन्होंने खुद मंदिर में आकर मनोकामना मांगी थी, जो उनकी सफल भी हो गई। बलहा विधायक ने कहा कि माँ काली परिसर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे मंदिर और भव्य हो सके। कारीकोट के काली माता मंदिर, जो ये पुरातन मंदिर है और यहाँ की मान्यता बहुत दूर दूर तक है, और आज यहाँ पे रामलीला मंच और सत्संग भवन कार्यक्रम के तहत मैं भूमि पूजन करने यहाँ पे आई हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि ये काली माता मंदिर कारीकोट को एक सुंदर भव्य मंदिर के रूप में परिवर्तित करूं। अभी छोटा सा प्रयास है, आगे मैं बड़ा प्रयास करूंगी कि देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।